बच्चों, आइए आज हम हिंदी ग्रामर में समझते हैं काल। काल किसे कहते हैं? काल को यदि हम सीधे वे में कहें, डायरेक्ट और संक्षिप्त रूप में कहें, तो क्या होगा? काल समय को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? समय को कहते हैं। आइए प्रश्न के माध्यम से समझ जाते हैं। काल की परिभाषा तथा भेद लिखिए। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहा जाता है। किसको कहते हैं? समय को काल कहा जाता है। हर चीज, हर घटना एक समय में ही घटित होती है ना। तो इस प्रकार के हम क्या कह सकते हैं? समय को ही काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूत मीन्स जो बीत चुका है, वर्तमान मीन्स जो चल रहा है, और भविष्य मीन्स जो आने वाला है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? क्रिया का वह रूप जिसमें बीते हुए समय का बोध हो, पास्ट टेंस का बोध हो, जो बीत चुका है उसका ज्ञान हो, तो हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे भूतकाल के कितने भेद होते हैं, है ना? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जैसे सामान्य भूत, भूतकाल को भी डिवाइड किया गया है, उसमें पहले नंबर में सामान्य भूत। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होना प्रकट हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में मीन्स ये एक प्रकार से आप भूतकाल जैसे ही है। सामान्य भूत मीन्स जो बीते हुए समय में कुछ कार्य घटित हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने रवि को बुलाया। कितना समय बुलाया ये कन्फर्म नहीं, लेकिन बुलाया मैंने रवि को बुलाया, तुम घर गए, है ना। तो ये क्या हुआ? इस प्रकार से कि स्पष्ट हो रहा है कि बीते हुए समय में यह कार्य है। मैंने रवि को बुलाया, बीते हुए समय का है, तुम घर गए। तो उसे इस प्रकार से जो किसी कार्य का बीते हुए समय में होना प्रकट हो, उसे हम क्रिया के सामान्य रूप कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब देखिए आसन्न रूप, क्रिया का वह रूप जिसमें अभी भी अर्थात कुछ समय पहले ही क्रिया संपन्न हुई हो, ऐसा प्रतीत हो, उसे हम क्या कहें? आसन्न रूप कहते हैं। जैसे रमा ने पत्र पढ़ लिया है, बच्चा सो गया है। अभी बोल रहे ना, बच्चा सो गया। क्या बच्चा सोया? बच्चा सो गया है। वह रोकर चुप हो गया। वह रो रहा है क्या? नहीं, वह रोकर चुप हो गया। बच्चों ने खाना खा लिया है। तो ये क्या है? ऐसा प्रतीत हो रहा है सेंटेंस से कि अभी अभी अर्थात कुछ समय पहले यह कार्य संपन्न हुई है। इसे क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल कहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर में। पूर्ण भूत, भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में कुछ नहीं बल्कि बहुत पहले, है ना, चले। क्या पता चले? कि भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। पूर्ण से क्या होता है? कंप्लीट। मींस उसे पढ़ने से पहले, पढ़ते ही हमारे दिमाग में ये समझ में आ जाए कि वह कार्य क्या है, बहुत पहले संपन्न हो चुकी थी। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। कब लिखी थी? अभी लिखी थी क्या? कल? नहीं, बहुत पहले लिख चुकी थी, है ना। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, बहुत पहले का समय का है जब यह कार्य संपन्न किया था तुलसीदास जी ने, तब की बात। तो कब की बात है? बहुत दिनों की बात। उसी प्रकार से मुगलों ने भारतवर्ष पर बहुत समय तक शासन किया था। अब मुगलों ने शासन किया था मतलब ये बहुत दिनों की बात है, पहले की बात। तो ये समझ में आ रहा है कि वह कौन से काल है? पूर्ण भूत। ठीक है, अपूर्ण भूत, भूतकाल की जिस क्रिया से यह प्रकट हो कि कार्य भूतकाल में आरंभ तो हो चुका था परंतु उनके पूर्ण होने के बारे में कुछ पता ना चले, संदेह आसमत की स्थिति रहे, है ना। आरंभ हो चुका था लेकिन कंप्लीट होने, पूर्ण होने के बारे में कुछ पता ना चले, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूत कहते हैं। मीन्स हम कंप्लीट नहीं कह सकते उसे। जैसे रमेश पढ़ रहा था तो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये बात इसके बारे में कंप्लीट सेंटेंस में पता नहीं चल रहा था, पढ़ रहा था जरूर। तो ऐसे सेंटेंस में क्या पता चल रहा है? कि अपूर्ण
पूर्णभूत नहीं कहते, इसे अपूर्णभूत कहेंगे। बच्चे पाठ याद कर रहे थे उसको हमें पता है ना, बच्चे पाठ याद कर रहे थे, तो ऐसे सेंटेंस क्या करा, कंप्लीटेड शुरू तो कर दिया था लेकिन ये पूर्ण होने में क्या है इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए ऐसे सेंटेंस आए तो आप सेंटेंस पढ़ करके आप समझ जाने कि ये कौन से भूतकाल में अपूर्ण भूतकाल में है। एग्जाम में पूछते हैं कि सेंटेंस दे दिया जाएगा निम्नलिखित सेंटेंस वाक्यों में से कौन सा भूत है, आसन्न भूत है ना कि पूर्ण भूत है या पूर्ण भूत है ना, इस प्रकार से आप लोगों को सेंटेंस में दे दिया ब्रैकेट में आपको टिक करना रहेगा। तो ये परिभाषा से आप लोग समझ सकते हो कि ये क्या है, अपूर्ण भूत है जिसमें कार्य का आरंभ तो पता चले लेकिन पूर्ण होने के बारे में कुछ पता ना चले, उसे क्या कहते हैं अपूर्ण भूत कहते हैं। संदिग्ध भूत का क्रिया का प्रारूप जिसमें भूतकाल की क्रिया में संदेह बना रहे उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे गाड़ी चली गई होगी, गाड़ी चली गई होगी इसमें क्या संदेह बना, कंफर्म नहीं कि चली गई होगी लेकिन गाड़ी चली गई होगी, हो सकता है चली गई होगी। बच्चे घर पहुंच गए होंगे पास्ट तो है लेकिन यहां पर क्या है संदिग्ध में, संदेह में है, हम ऐसे सोच रहे हैं कि वो ऐसा हो गया होगा है ना, तो इसको क्या कहते हैं संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, जिसके बारे में पता ना चले और हम ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं क्लास स्टार्ट हो गई होगी है ना, और बारिश स्टार्ट वर्षा हो रही होगी ऐसा कुछ बोल देते हैं, तो क्या है संदिग्ध जो संदेश की अवस्था में कहा जाए है ना उसे क्या कहते हैं संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। हेतु हेतु मद भूत क्रिया का प्रारूप जिसमें भूतकाल की एक क्रिया पर दूसरी क्रिया आधारित हो, एक क्रिया पर दूसरी क्रिया आधारित हो उसे क्या कहते हैं हेतु हेतु मद भूत होता है वहां पर। जैसे उस सेंटेंस में यदि वर्षा हुई होती तो फसलें अच्छी होती, यदि वर्षा हुई होती तो फसलें अच्छी होती, यहाँ पर देखिए एक क्रिया क्या है वर्षा का होना यदि हुई होती कंडीशन, दूसरी क्रिया क्रिया क्या है फसलें अच्छी होती, लेकिन एक क्रिया पर दूसरी क्रिया क्या है आधारित है, यदि कंडीशन क्या है फसलें कब अच्छी होती जब वर्षा अच्छी होती, ठीक है। इसी प्रकार से और आप अनेक एग्जांपल देख सकते हैं है ना, यदि तुम पढ़े होते तो पास अवश्य हो जाते लेकिन कंडीशन क्या है यदि पढ़े होते तब है ना, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित हो उसे ही क्या कहते हेतु हेतु मद भूत कहा जाता है। ओके चलिए देखते हैं अब वर्तमान काल, वर्तमान काल किसे कहते हैं इसे कितने भेद होते हैं है ना, जो कार्य वर्तमान काल में संचालित हो या कंटिन्यूअसली वर्तमान में होता रहे, जैसे क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि क्रिया चल रही है वर्तमान में है उसे क्या कहते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस जो अभी वर्तमान में चल रही है। इसके तीन भेद होते हैं जैसे सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया का करना या होना पाया जाए वर्तमान में ही उसे क्या कहते हैं सामान्य वर्तमान काल कहते हैं ना। इसमें क्या कहा है क्रिया का करने का होना किस समय वर्तमान काल में उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पत्र लिखता है ना और राधा नाचती है ये क्या हो गया सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में प्रारंभ हो गया है और अभी जारी है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है ऐसा प्रतीत होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हरिण दौड़ रहा है मींस कंटिन्यूअसली है रुका नहीं है ऐसा प्रतीत नहीं हुआ दौड़ रहा है अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं कार्य जारी है या जो बोध कराए उस सेंटेंस को हम है ना उस क्रिया को अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान नाम से किया जाए क्रिया के जिस रूप वाले कार्य के वर्तमान काल में होने में संदेह बना हो उसे क्या कहते हैं संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। किसान खेत में खेत से लौटते होंगे लेकिन पता नहीं मेरा भाई कब तक पहुंचता होगा है ना ये हम संदेह की स्थिति में कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं
भविष्यकाल है ना। भविष्यकाल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। क्रिया का वह रूप जिसमें कोई क्रिया आने वाले समय में की जाए, कोई क्रिया आने वाले समय में की जाए उसे भविष्यकाल कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं है ना, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य क्रिया का वह रूप जिसमें भविष्यकाल के सामान्य रूप का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हम मेला देखने जाएंगे, ये क्रिया का क्या है, भविष्यकाल का सामान्य रूप है। मीन्स ऐसा हम कहते हैं भविष्यकाल के लिए, जैसे हम देखने जाएंगे, हम खाएंगे, हम पिएंगे, हम घूमने जाएंगे, ये जो सामान्य रूप होता है वही सामान्य भविष्यकाल कहलाते हैं। तुम घर जाओगे ये क्रिया का सामान्य भविष्यकाल भविष्य रूप है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। संभाव्य भविष्य नाम से क्लियर है कि संभावना व्यक्त करे, क्रिया का वाचक जिसमें भविष्य भविष्यकाल की किसी क्रिया में संदेह पाया जाए वहां संभाव्य भविष्यकाल होता है। जैसे शायद आज पिताजी आए, शायद है ना, संभावना है, संभवतः आज वर्षा होगी। इस प्रकार है ना, आपके जो भविष्यकाल को दो भाग में डिवाइड किया गया है, सामान्य भविष्यकाल संभाव्य भविष्यकाल। ओके।